गंगोत्री से बाबा धाम पैदल यात्रा कर 21 तीर्थ पुरोहितों का जत्था बाबा धाम पहुंचा। गंगोत्री गोमुख समाज की ओर से गंगोत्री से लेकर बाबा धाम की यात्रा शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण था और विश्व कल्याण की मनोकामना को लेकर पुरोहित समाज लगातार यात्रा कर रहा है। इस बार 21 तीर्थ पुरोहित 74 दिन की यात्रा पांव पैदल तय करते हुए बाबा धाम पहुंचे और झारखंड की सीमा में प्रवेश करने के साथ साथ पूरे रास्ते में बैंडबाजी के साथ इनका स्वागत किया गया और पुरोहितों ने कहा कि यह पूरी यात्रा इस बार 74 दिनों में तय की गई है और इसमें अपनी मनोकामना नहीं होती है, यह पूरी यात्रा विश्व कल्याण के लिए किया जाता है। देखिए, ये यात्रा जो है ना 3 महीने की यात्रा है और मैं पहली बार गया। बाबा वैद्यनाथ की महती कृपा रहे एवं हमारे यह जो गोमुख गंगोत्री से पद यात्रा जो प्रारंभ हुई है वो हमारे देवघर झारखंड वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जी बम बम बाबा ब्रह्मचारी महाराज ने ही प्रारंभ की थी, जिनके तत्वावधान में ये यात्रा शुरुआत हुई है और ये मात्र विश्व कल्याण कामनाएं हैं, कोई और कामना नहीं है। विश्व का कल्याण हो तो हमारे जो गोमुख गंगोत्री समाज के अध्यक्ष हैं माननीय विजय खवाड़े बाबू, गणेशानंद बाबू, श्री जयदेव महाराज जी, इनके बड़ी सहयोग से मैं यहाँ आ पाया और तो वैद्यनाथ की कृपा रही और कोई बात नहीं है। ये आज मैं 74वें दिनों पर यहाँ पहुँचा, 74। बहुत अच्छा रहा, कष्ट तो बहुत है और हर तीर्थों में शंकर हैं, कष्ट हैं, और जहाँ कणकण में शंकर हैं वहाँ शिव हैं, और शिवस्व कल्याण कल्याण ही कल्याण है। इसलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बम बम बाबा ब्रह्मचारी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय। हरा